और जम्मू कश्मीर के बारामूला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सेना के जवान और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि जवानों ने दो आतंकियों को घेर लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रात से ये मुठभेड़ चल रही है, कुछ जानकारी मिली थी जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन शुरू किया और दो आतंकियों को घेर रखा है सेना ने, ऐसी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये बड़ी खबर है, जहां आधी रात से ही ये मुठभेड़ जारी है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। खबर यह है कि सेना ने दो आतंकियों को उस इलाके में घेर रखा है, जिसकी जानकारी उन्हें मिली थी और उसके बाद सेना की तरफ से ये ऑपरेशन शुरू किया गया और तब से ये मुठभेड़ चल रही है। रात को ये जानकारी मिली थी और उसके बाद से ही सेना और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये बड़ी खबर है। रिफत का रुख कर लेते हैं। रिफत, और क्या अपडेट इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त यदिपोरा पट्टन में ही हूँ, जहाँ पे ये मुठभेड़ हो रही है। और आपको मालूम है कि दो जगहों पे मुठभेड़ हो रही है, एक तो यहाँ पट्टन में और दूसरा साउथ कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट में। दोनों जगहों पे फायरिंग का सिलसिला जारी है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक से दो मिलिटेंट के छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी और उसके बाद ही फॉरन कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन आर्मी CRPF और पुलिस ने लॉन्च किया। और ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्पॉट जो है यहाँ पर ही है और यहाँ पर ही रुक रुक के जो है फायरिंग का सिलसिला जारी है। और इस वक्त मैं आपको लेटेस्ट यही बताऊँ कि इस वक्त आर्मी CRPF और पुलिस ने पूरी तरह से इस एरिया को घेरे में लिया हुआ है और शोपियां में भी दूसरी तरफ से फायरिंग जारी है। और आपको मालूम है कि 5 तारीख को गृहमंत्री अमित शाह को यहां बारामूला आना है और वहां पे एक रैली होगी। और इसी बीच सुरक्षा बलों को पता चला था कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं और यही वजह है कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करके जो है यहाँ पे फायरिंग का सिलसिला रात के दौरान ही शुरू हुआ। तकरीबन 12 बजे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया था और उसके बाद 2 बजे के करीब जो है फायरिंग का सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ। अभी भी यहां पे फायरिंग हो रही है, ग्रेनेड धमाकों की आवाज अभी आप सुन सकते हैं, लगातार यहां पे फायरिंग हो रही है। और फिलहाल यह समझा जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंट यहां पे छुपे हो सकते हैं, जिनके साथ इस वक्त मुठभेड़ जारी है। और शोपियां में भी यही हाल है कि वहां पे समझा जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट। यह भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के इनपुट्स मिले थे आतंकियों को लेकर सुरक्षा बलों को? देखिए, क्योंकि बहुत ही हाई अलर्ट पे रख दिया गया है पूरे कश्मीर को, क्योंकि आपको मालूम है कि उधमपुर में भी धमाके हुए थे और उसके बाद मजीद यहाँ पे भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। और इस बीच चूंकि होम मिनिस्टर अमित शाह को यहाँ पे आना है जम्मू कश्मीर के दौरे पे, पहले 4 तारीख को जम्मू सूबे में होंगे और उसके बाद 5 तारीख को वो यहाँ पे होंगे, चूंकि पहले उनका दौरा जो था 1 तारीख और 2 तारीख का था और वो बाद में पोस्टपोन हो गया, अब 5 तारीख को वो यहाँ बारामूला आएंगे। और ये जो पटन का एरिया ही है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ही पड़ता है और यहाँ पे पहले ही सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे और इंटेलिजेंस इनपुट्स जो हैं वो जनरेट किए जा रहे थे। और इंटेलिजेंस इनपुट्स जो मिले उसमें यही बताया गया कि 1 से 2 मिलिटेंट जो है इस एरिया में छुपे हुए हैं और उसी के बाद ही कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बिल्कुल 50 मीटर दूर है यहाँ पे ये सुपाट और वहाँ पर ही जो है ये एनकाउंटर हो रहा है आर्मी CRPF और पुलिस। और अभी आप सुन सकते हैं कि अभी भी हम यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ सुन रहे हैं और धमाकों की आवाज़ सुन रहे हैं। तो अभी पहले बताया गया जिस तरीके से लगातार एक SOP है कि मिलिटेंटों को कहा जाता है सरेंडर करने के लिए, लेकिन अक्सर हमने देखा कि वो रिफ्यूज़ करते हैं और उसके बाद ही जो है फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ पे सेना लगी है और CRPF और पुलिस भी इस ऑपरेशन में है। तो फिलहाल लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं दोनों जगहों पर, चाहे वो ये यदिपोरा का एरिया हो जहाँ पर हम इस वक्त हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गृहमंत्री को आना है और इससे पहले ही सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे और आज यहाँ पर अनकाउंट हो रहा है, यानी कि इंटेलिजेंस इनपुट्स लगातार जनरेट हो रहे थे और इंटेलिजेंस इनपुट्स ही मिले थे। बिल्कुल, ये तो हमारे सहयोगी रिपोर्ट बिल्कुल उस जगह के पास मौजूद है और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ जारी है। सेना ने 2 आतंकियों को घेर रखा है, ये बड़ी खबर है और लगातार इस तरीके के इनपुट्स मिल रहे थे जिसके बाद सेना की तरफ से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से ही एक और बड़ी खबर मिल रही है, शोपियां से ये खबर है, जहां पर सेना के जवान और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ शोपियां के चित्रगांव में चल रही है, जहां सेना ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। तो जम्मू कश्मीर से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बारामूला से खबर आपको बताई हमने और शोपियां से भी वैसी खबर सामने आ रही है, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं, जिन्हें घेरा हुआ है सेना ने और लगातार सेना को इस तरह की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद शोपियां के चित्रगांव में यह ऑपरेशन चलाया गया और वहां पर ये आतंकी घिरे हुए हैं, जहां पर ये मुठभेड़ इस वक्त चल रही है।
तो जम्मू कश्मीर के बारामूला और शोपिया में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें कई आतंकियों के घिरे होने की खबर सामने आ रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो आतंकी छिपे हो सकते हैं बारामूला में, ऐसी जानकारी, और दो से तीन आतंकी शोपिया में भी मौजूद हैं जहां पर यह मुठभेड़ चल रही है। यानी जम्मू कश्मीर में दो जगहों पर इस वक्त मुठभेड़ जारी है, और इससे पहले भी, क्योंकि उधमपुर से भी ऐसी खबर सामने आई थी कि वहां पर जो ब्लास्ट हुए थे, इसके बाद वैसे भी जो ये पूरा इलाका है वो अलर्ट मोड पर है। साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री का दौरा भी वहां पर होना है, इससे लेकर लगातार जो सुरक्षा बल है वो अलर्ट मोड पर देखे जा रहे हैं।